मेरा नाम कपिल विज है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरी दोनों किडनियाँ फेल हैं। दिल्ली में हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, क्रॉस मैच भी कराया, लेकिन उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें कुछ भी। तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। फिर हमें किसी ने बताया कि आप हैदराबाद जाइए, वहाँ पे यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद है, उनको दिखाइए, वो आपकी प्रॉब्लम जरूर हल कर देंगे। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ डॉक्टर तरुण कुमार सर से मिले, तो उन्होंने हमारा HLA कराया। उसके बाद उन्होंने कहा सब पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी आप करा सकते हो। और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए हमारे, वो सारे ओके निकले। उसके बाद उन्होंने हमारा ट्रांसप्लांट किया और आज मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, एक हफ्ता हो चुका है और मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मैं भारती विज हूँ, मैं अपने हस्बैंड की डोनर हूँ और हम लोगों ने यहाँ दिल्ली में बहुत जगह देखा कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था, इनकी डिजीज़ की वजह से ये ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था। तो हमने फिर यहाँ पे हैदराबाद में आए, यहाँ पे तरुण सर से मिले, यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि HLA टेस्ट होएगा और इनकी लीवर की डिजीज़ है, उसकी वजह से हम ट्राई करेंगे कि हो जाएगा। और सर ने हमें बहुत किया और हमने यहाँ पर ट्राई किया, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा ट्रांसप्लांट के लिए ओके करा। और पहले एडमिट होने की वजह से, इनके काउंट कम होने की वजह से हम लोग इनका ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए थे, बट जैसे ही ओके हुआ सर ने हमें बोला कि अब हम करा सकते हैं ट्रांसप्लांट, तो इसलिए इनका ट्रांसप्लांट ओके आज हो गया है और हम लोग दोनों बहुत ठीक हैं। हाय, मैं तरुण कुमार शाह, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एट यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद। आज हम मिस्टर कपिल विज के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। मिस्टर कपिल दिल्ली से आए बहुत उम्मीद लेके, क्योंकि दिल्ली में उनको बोला कि तुम्हारा किडनी दोनों खराब हो गया, डायलिसिस में ही रहना है और किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी कुछ इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज थे डोनर के साथ और उनको लिवर डिजीज थे। तो हमारे यहाँ आने के बाद हमने कुछ फाइनर इम्यूनोलॉजिकल वर्कअप किया और देखा कि उनकी डोनर उनकी वाइफ के साथ ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है, तो ये हम कहते हैं इसको ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। और साथ साथ लीवर का भी बायोप्सी किए और दूसरे टेस्ट किए और इससे हमें जानकारी मिला कि हम ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं प्रिकॉशन लेके। तो हमने इस पेशेंट को प्लाज्माफेरेसिस किए और इनकी इम्यूनोलॉजिकल प्लानिंग ठीक से करके 15 सितंबर 2023 को हमारे यहाँ इसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की है, जो कि ABO इनकम्पैटिबल है। और इनको बिकॉज ऑफ लिवर डिजीज़ इनके टोटल काउंट काफ़ी कम थे हाइपरस्प्लेनिज्म की वजह से, उसके बावजूद इम्यूनोसप्रेशन टेलर करके प्लानिंग करके ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली किए और 7 दिन के अंदर आज यानी 22 सितंबर 2023 को इन्हें हेल्दी कंडीशन में डिस्चार्ज हो रहे हैं। इनकी सीरम क्रिएटिन आज के दिन में 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और टोटल काउंट भी नॉर्मल है। और हमारी इस पेशेंट को क्लोज निगरानी में रखना पड़ेगा इन फ्यूचर में, क्योंकि ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांटेशन कैन हैव प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो हमारी प्लान है कि हर हफ्ते में क्लोज मॉनिटरिंग करके इसको हम मैनेज कर रहे हैं, बट फिलहाल हम इसको वेरी सक्सेसफुली मैनेज करके डिस्चार्ज कर रहे हैं। धन्यवाद।